हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास के अंदर बीएससी सेकंड ईयर के जो फिजिक्स फर्स्ट की बात कर रहे थे, फिजिक्स फर्स्ट पेपर की, तो वो पेपर था सांख्यिकी भौतिकी तथा ऊष्मागतिकी, तो उसकी यूनिट फर्स्ट कर रहे थे यहाँ पे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम इस क्लास के अंदर इससे पहले वाली क्लास में लिया था, यदि किसी स्टूडेंट ने वो क्लास नहीं ले पाया तो इससे पहले वाली क्लास आप लीजिए, जिससे कि आपको ये और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और रही बात स्टूडेंट, जो मैंने यहाँ क्लास हैं, कोई नया स्टूडेंट आपका क्लासमेट है और वो फिजिक्स से कोर्स करना चाहता है, तो आप उसको ऐप के बारे में जानकारी दीजिए। और यदि आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं इस क्लास को, तो अपने सभी जो क्लासमेट हैं उनको जानकारी दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करवाइए, उनको शेयर कीजिए। और ऐप वाले हैं और जिन स्टूडेंटों ने पेड कोर्स ले रखा है ऑफलाइन मेरे से कांटेक्ट करके, तो उनको स्टेप बाय स्टेप कोर्स मिलते रहेंगे। और यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है कि उसके कोई प्रॉब्लम आ रहा है ऐप में या किसी में, तो आप मेरे से उसमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने कांटेक्ट नंबर भी आपको दिए हैं। तो अब देखो, आज हम बात करते हैं, हमने पिछली क्लास में बात की थी माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट यानी स्थूल एवं सूक्ष्म संख्याओं की, और एक एग्जांपल भी लिया था उनको डिफाइन करने के किस प्रकार से हैं। तो आज हम बात करते हैं, तो देखो हमारे पास पेपर कौन सा चल रहा था, पेपर फर्स्ट, सब्जेक्ट था हमारा फिजिक्स, और इसके अंदर यूनिट थी फर्स्ट यूनिट थे सूक्ष्म एवं स्थूल अवस्थाएं तथा ऊष्मागतिकी का सांख्यिकी आधार, स्टैटिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमने अब बात करते हैं यहाँ पे ऊष्मागतिकी प्रायिकता यानी थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी क्या होती है। स्टूडेंट, डेफिनेशन से बात करते हैं हम, देखो किसी दी हुई स्थूल अवस्था, किसी दी हुई स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या उस स्थूल अवस्था की ऊष्मागतिकी प्रायिकता कहलाती है। स्टूडेंट, क्या हुआ कि किसी दी हुई स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की जो संख्या होगी वह उस स्थूल अवस्था की ऊष्मागतिकी प्रायिकता कहलाएगी। यानी कि आपको, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में, पिछली क्लास में लिया था कि चार कण थे और चार कणों के अकॉर्डिंग पांच स्थूल अवस्थाएं और 16 सूक्ष्म अवस्थाएं प्राप्त हुई, तो यहाँ पे ऊष्मागतिकी प्रायिकता क्या होती है। तो ऊष्मागतिकी प्रायिकता होती है कि अपने पास पांच स्थूल अवस्था थी, उनमें से कोई सी भी स्थूल अवस्था ले और उसके लिए सूक्ष्म अवस्थाएं कितनी प्राप्त हो रही है, वही उसकी क्या हो जाएगी, ऊष्मागतिकी प्रायिकता हो जाती है। स्टूडेंट, तो हमारे पास देखो सबसे ज्यादा हमने पहला वितरण लिया था तो उसके कितना आया, दूसरा वितरण लिया तो कितना आया, इस प्रकार देखो किस प्रकार से इसका फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ एन कला बिंदु वही कण है, एन कला बिंदुओं की व्यापक जनरल स्थिति में स्थिति जिसमें सामान्यतः एक से अधिक, एक से अधिक कोशिका में क्रम से संभव है। किसी
स्थूल अवस्था, स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म सूक्ष्म अवस्थाओं, सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या या सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या या स्थूल अवस्था की उष्मागतिक रहता है। स्टूडेंट देखो, एन कला बिंदुओं की व्यापक स्थिति में जनरल फॉर्म में लेते हैं तो जिसमें सामान्यतः एक से अधिक कोशिकाओं में क्रमशः संभव होता है, हमें पता है। तो किसी स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की जो संख्या होगी वो स्थूल अवस्था की उष्मागतिक प्रायिकता होती है। तो यानी सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या होगी या तो स्थूल अवस्था की संख्या सूक्ष्म अवस्था की संख्या या तो जितने क्रम से संभव है या स्थूल अवस्था की उष्मागतिक प्रायिकता कह सकते हैं स्टूडेंट। तो फिर देखो, एक यहाँ पे उष्मागतिक प्रायिकता को जनरली सामान्यतः कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तो हमारे पास एन कला बिंदुओं के लिए उष्मागतिक उष्मागतिक निकाय की स्थूल अवस्था की उष्मागतिक प्रायिकता इतनी होगी स्टूडेंट। तो हम उसे लिख सकते हैं W बराबर कैपिटल N, जो अपने पास कोशिका होगी, कितनी कोशिकाएं हैं और उनके अकॉर्डिंग फर्स्ट N1, N2, N3, तो इस प्रकार से फैक्टोरियल चलता रहेगा स्टूडेंट और आखिर में कहाँ तक, N I तक चलेगा, जहाँ अपने पास जितने उसके कोष्टक हमने किए हैं। तो देखो किस प्रकार जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं W बराबर N फैक्टोरियल अपॉन मल्टीप्लर साइन 1 2। स्टूडेंट ये अपने पास उष्मागतिक प्रायिकता का जनरल फॉर्मूला हो जाता है कि एन कला बिंदु हो उसमें एन आई अर्धक यानी भाग किए गए हैं उस एन निकाय के, तो कला बिंदुओं की संख्या कैपिटल एन है और अर्धकों की संख्या एन आई है। तो हम एक से लेके आई तक के क्रमचयों का गुणनफल करेंगे और एन के क्रमचय में भाग लगा प्रमुख सॉरी फैक्टोरियल में भागें लगा देंगे। तो यहाँ पे ये उष्मागतिक प्रायिकता का अपने पास फॉर्मूला होता है। तो अब देखो इसकी व्याख्या करते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे, इसको फॉर्मूला डिराइव करके आते हैं, सिद्ध करते हैं। तो स्टूडेंट कई बार उष्मागतिक प्रायिकता का सवाल ए सेक्शन में आता है तो हमें इतना ही लिखना है क्योंकि डेढ़ नंबर का सवाल है, लेकिन कई बार सी सेक्शन में आ जाता है कि उष्मागतिक प्रायिकता पर टिप्पणी लिखिए या उसको समझाइए विस्तार से। तो हम किस प्रकार से समझाते हैं, तो देखो देखो हम आप इसको समझाते हैं तो क्या व्याख्या किस प्रकार कर सकते हैं, इस फॉर्मूले की व्याख्या करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो माना कला निर्देश आकाश में केवल दो
वह आर है। तो अपने पास दो कोशिकाएं और चार कण ए बी सी और डी। तो हमारे पास चार कण आ गए स्टूडेंट, ये हमने पिछले वाले क्लास में भी किया था। तो क्या हो जाएगा, माना एन एल यानी कि लेफ्ट साइड से और एन आर क्रमशः एल व आर कला कोष्टिका में कला बिंदुओं की संख्या है। अब देखो स्टूडेंट, संभावित स्थूल अवस्थाएं कौन कौन सी होगी स्टूडेंट। हमने कल किया था इससे पहले वाली क्लास में स्थूल अवस्थाएं कौन कौन सी हो जाएगी। पहली हो जाएगी लेफ्ट के अंदर चारों तो आर में जीरो कण, फिर लेफ्ट के अंदर थ्री और राइट के अंदर एक, फिर टू और टू, फिर हो जाएगा वन और थ्री, और फिर हो जाएगा राइट के लेफ्ट के जीरो और राइट के फोर। सारणिक रूप से निम्न प्रकार प्रदर्शित, तो आप देखो इनको किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास स्थूल अवस्थाएं दे रखी हैं। तो वो देखो लेफ्ट और राइट के अंदर इनको प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखना। यहाँ लेफ्ट लिखता हूँ, यहाँ राइट लिखता हूँ, कला बिंदुओं की संख्या। तो यहाँ देखो पहले में लेफ्ट में चारों है, दूसरे में राइट में जीरो है, दूसरे में लेफ्ट में तीन है अणु है तो राइट में एक अणु है, फिर लेफ्ट में दो अणु तो राइट में दो है, और फिर लेफ्ट के अंदर एक अणु तो राइट में तीन है, लेफ्ट में जीरो है। तो इसका मतलब तो ये अपने पास स्थूल अवस्थाओं की संख्या कितनी होगी, एक दो तीन चार और पांच। तो अब बात करते हैं हम इनके लिए स्थूल अवस्थाओं की संख्याओं के अकॉर्डिंग सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या यानी कि ऊष्मागतिकी के प्रायिकता की बात करते हैं। तो देखो इन पांचों स्थूल अवस्थाओं में से प्रत्येक संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। स्टूडेंट जो संख्याएं होगी वो भिन्न भिन्न हो जाएगी। तो किस प्रकार से होगी, तो हम इसको एक टेबल के रूप में प्रदर्शित करता हूँ स्टूडेंट। देखो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, क्योंकि अपने पास तो मैं देखो यहाँ लिख देता हूँ स्थूल, चलो हम ऊपर लिखते हैं। तो देखो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक के अंदर पढ़ाई कर रहे हो तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो एक बार। मैंने आपको शुरुआत में क्या है कि मैथ और फिजिक्स की जब पढ़ाई करते हैं तो उस स्थिति के अंदर हम क्या करते हैं कि जो अपने पास पेन और पेपर और नोट्स होते हैं वो एज इट इज उतारते जाते हैं, जिससे कि अपने को अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट कि किस प्रकार से ऊष्मागतिक प्रायिकता निकाल सकते हैं। तो देखो ऊष्मागतिक प्रायिकताओं के लिए मैं लिखता हूं स्थूल अवस्थाओं के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की
या कह सकते हैं उसको ऊष्मागतिक है, राइट। तो ऊष्मागतिक साइड का वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। तो मैं यहाँ देखो सबसे पहले लिखता हूँ स्थूल अवस्था, कौन कौन सी स्थूल अवस्था, फिर यहाँ लेफ्ट में कितने कण हैं और राइट में कितने हैं, तो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, अवस्थाओं की संख्या। और स्टूडेंट यहाँ हम ऊष्मागतिक प्रायिकता निकालेंगे, ऊष्मा गति के प्रायिकता की वो सेम आती है या नहीं आती है। तो ऊष्मा गति प्रायिकता आ जाएगी, तो पहली स्थूल अवस्था है स्टूडेंट जीरो और फोर, यानी कि एल के अंदर फोर एलिमेंट है, कौन कौन से हैं, कण लिए ए बी सी और डी और आर में है जीरो। तो स्थूल अवस्था की संख्या कितनी हो गई, सूक्ष्म अवस्था की संख्या एक। तो प्रायिकता भी निकाल के देखते हैं, तो हमने बात की कि टोटल एलिमेंट कितने हैं फोर एन, एल और आर में अपने पास कितने आ गए, लेफ्ट साइड में अपने पास आ रहा है फोर, फोर एलिमेंट है इसके अंदर और इसके अंदर कितने होंगे जीरो। तो स्टूडेंट यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या अपने पास उसमें गति प्रायिकता का एन, तो ये हो जाएगा एन एल और एन आर। तो स्टूडेंट ये अपने पास रहेगा, देखो मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, डब्ल्यू बराबर एन अपॉन लेफ्ट और एन राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फोर फोर और जीरो, जीरो फैक्टोरियल वन होता है और फोर से फोर का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो यानी कि वन। तो देखो सूक्ष्म अवस्था और सूक्ष्म गतिक प्रायिकता दोनों एक ही है। इस प्रकार से हम सेकंड के लिए चलते हैं, सेकंड में है तीन एलिमेंट और वन, तो इसके लिए अपने पास क्या हो जाएगा, देखो एन के लिए मैं पहले लेता हूँ ए बी और सी, तो यहाँ पे आर में जाएगा डी, फिर मैं लेता हूँ यहाँ पे बी सी और डी, तो यहाँ आ जाएगा ए, क्योंकि आर के अंदर ए अणु आ जाएगा तीन इधर, तो फिर सी डी और ए, तो यहाँ आ जाएगा बी। और फिर बात आती है ए बी और डी, तो यहाँ आ जाएगा सी। तो इसका मतलब यहाँ से सूक्ष्म अवस्था की संख्या कितनी होगी स्टूडेंट चार। तो हम देखते हैं प्रायिकता भी चार आती है नहीं आती है, तो यह आ जाएगी फोर अपॉन थ्री इंटू वन। एन के अवयव एलिमेंट कितने थे, तीन थे, तो तीन एलिमेंट और इधर एक एलिमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी, तो क्या हो जाएगा यह आंसर आएगा फोर। फिर बात आती है तीसरा, तो इसमें अपने पास स्थूल अवस्था टू बाई टू, तो यहाँ पे जाएगा पहले ए बी दो एलिमेंट, तो यहाँ हो जाएगा सी और डी, अगले पे आ जाएगा अपने पास डी और सी, तो यह आ जाएगा ए और डी, अगला आ जाएगा सी और डी, तो यह आ जाएगा ए और बी, फिर नेक्स्ट आ जाएगा ए और डी, तो यहाँ आ जाएगा बी और सी। अब अपने पास देखो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाता है ए और सी, तो यहाँ आ जाता है बी और डी, फिर आ जाता है बी और डी, तो यहाँ आ जाएगा ए और सी। तो इसके अनुसार स्टूडेंट कितनी प्रायिकता हो गई देखो छह, तो यहाँ सूक्ष्म अवस्था की संख्या छह, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी फैक्टोरियल फोर अपॉन फैक्टोरियल टू और फैक्टोरियल टू, तो ये 24 टू इंटू टू यानी कि सिक्स आ रहा है। तो स्टूडेंट देखो इस प्रकार से हमारे पास ये भी सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ और फिफ्थ के लिए, आप देखो एक बार वीडियो पॉज करके आराम से को पेन से पेज पे नोट कर सकते हो। हाँ जी, अब देखो मैं इसकी फोर्थ तो जो स्थूल अवस्था है उसकी बात करते हैं यहाँ पे। चौथी स्थूल अवस्था क्या है, चौथी स्थूल अवस्था है वन एंड थ्री, तो वन ए आ जाता है तो यहाँ आ जाएगा बी सी और डी, यहाँ बी आ जाता है तो सी डी और ए, यहाँ अपने पास सी आ जाता है तो डी ए और डी, और यहाँ डी आ जाता तो ए बी और सी, तो यहाँ सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या कितनी आ गई चार आ गई स्टूडेंट। तो यहाँ पे अपने पास ऊष्मागतिक प्रायिकता भी देखो फैक्टोरियल फोर
अपॉन फैक्टोरियल वन और फैक्टोरियल फोर, सॉरी थ्री, थ्री एलिमेंट है ना, तो ये कितना जाएगा, चार आ जाएगा। इसी प्रकार अपने पास स्टूल होगा पांच जीरो और फोर, यानी कि यहाँ जीरो एलिमेंट, यहाँ ए बी सी और डी, तो इस सूक्ष्म अवस्था कितनी आएगी, एक आएगी। इसका मतलब एक ताली कितनी आने की है, जैसा कि एक आने की है, तो यहाँ पे जीरो और यहाँ आएगा फोर, यानी कि एक। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हम स्थूल अवस्था और प्रायिकता, उसमें प्रायिकता में संबंध व्यक्त कर सकते हैं। तो यह तो हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः व्यापक रूप से यदि किसी निकाय या तंत्र या सिस्टम को कह सकते हैं में एनकला बिंदुओं या अणु विभिन्न कला कोशिका में क्रमशः N1, N2 डैश N I की संख्या के में वितरित हो तो निकाय ऊष्मागतिक प्रायिकता कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, W बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 डैशेस फैक्टोरियल ni। तो इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं स्टूडेंट। तो आपको इसको क्लास किस प्रकार की लगी, तो आप मेरे को चैट बॉक्स में जाके चैट करके बता सकते हो, कहीं कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप वैसे बता सकते हो, तो मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और स्टूडेंट इसके बाद हम इससे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो परीक्षा के अंदर हर दूसरे साल अल्टरनेट रूप से प्रश्न आता है, उसको इसके आधार पे आंसर करेंगे। तो इसी के साथ पढ़ते रहिए, थैंक यू।